सेना के हाथ खोल दे। सलाम अलैकुम दोस्तों। दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश में एग्रीमेंट हो गया। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ वापस शामिल होना चाहता है और एग्रीमेंट हुआ है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है, जो एटम बम है, वो बांग्लादेश के लिए भी प्रोटेक्शन करेगा। मतलब उनके लिए भी अनाउंस किया जाएगा पूरे दुनिया में कि ये एटम बम पर जितना हक पाकिस्तान का है उतना हक बांग्लादेश का भी है। तो इससे ये होगा कि बांग्लादेश पर कोई दूसरा मुल्क अटैक नहीं कर सकेगा और बांग्लादेश का एक रोब बन जाएगा, एक वैल्यू बन जाएगी। जिस तरह पाकिस्तान एटमी मुल्क है, इस तरह बांग्लादेश भी एटमी मुल्क तसव्वुर किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इंडिया में इसके ऊपर बहुत ही बातें चल रही है और इंडिया वाले बहुत ही डर चुके हैं और इंडिया वाले ये सोच रहे हैं कि अगर ये बांग्लादेश और पाकिस्तान दोबारा एक हो गए तो जो हमारी मेहनत थी, जो हमने इतनी मेहनत की थी, वो सब ज़ाया हो जाएगी। और बांग्लादेश क्योंकि उनके साथ उनका बॉर्डर मिला हुआ है तो पाकिस्तान बांग्लादेश के ज़रिए इंडिया में हलचल कर सकता है। तो ये इंडिया को मंजूर नहीं है, लेकिन बांग्लादेश ने अब ये फैसला कर लिया है और पाकिस्तान ने भी एग्रीमेंट कर लिया है। तो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को एक धमकी मिली थी। इंडिया का एक मेजर है जी डी बख्शी, उसने किसी मीडिया चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, उसने कहा कि पाकिस्तान हमारी मौत का सामान तैयार कर रहा है। जो हमने 14 अगस्त पर जो मिज़ाइलें दिखाई, नुमाइश की मिज़ाइलों की, जिस तरह हर 14 अगस्त पर करते हैं, उसको देख के इंडिया का मेजर बिल्कुल हवास बाख्ता हो गया। मतलब उसके होश उड़ गए और उसने कहा कि हमें पाकिस्तान पे पहले हमला करना चाहिए, इससे पहले कि पाकिस्तान हम पे कुछ अटैक करे, जैसे पुलवामा अटैक हो गया और सीज़ फायर करते हैं पाकिस्तानी, तो इससे पहले हमें पाकिस्तान पे अटैक करना चाहिए, हम अटैक करेंगे। मतलब ये बातें हो रही है इंडिया में। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या सच में इंडिया वाले जी डी बख्शी की बातों पे अटैक करेगा या फिर वो कुछ और तरीका अपनाएगा पाकिस्तान के साथ। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया हमेशा अच्छी दोस्ती वाले ताल्लुकात के साथ रहे, क्योंकि पड़ोसी ममालिक है, इससे हमको नुकसान होगा, दोनों मुल्कों को और दूसरे मुल्कों को जो दुश्मन ममालिक है उनको फायदा होगा। खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।